देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तारीख का ऐलान किया जा चुका है। कांग्रेस 5 राज्यों में पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। कई राज्यों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रैली कर चुके हैं और विरोधियों पर करारा प्रहार भी कर चुके हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार दोपहर को हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे, जहां केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी एवं अन्य तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केदारनाथ के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं से भी गर्मजोशी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर भी कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी बताते हैं कि राहुल गांधी धार्मिक यात्रा पर केदारनाथ पहुंचे हैं। भगवान केदारनाथ की साय में होने वाली आरती में राहुल गांधी शामिल हुए, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आई है। सिर पर गर्म टोपी पहने राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों से बात की और उनका हालचाल जाना। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी नई दिल्ली से देहरादून हवाई अड्डे पहुंचे, वहां से सीधे निकलते ही हेलीकॉप्टर से वह केदारनाथ के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट साझा किया है, जहां उन्होंने लिखा कि जहां वह केदारनाथ मंदिर नजर आ रहे हैं। तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि आज मैंने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम का दौरा किया, दर्शन की, पूजा की। हर हर महादेव। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।